गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा आज हम सॉल्व करेंगे इनिंग्स 11.1 क्वेश्चन नंबर 7. इफ़ एस इज़ द साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, एक रेगुलर पेंटागन है उसकी साइड है एस. रिप्रेजेंट द पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन एज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. हमने पेंटागन के पेरीमीटर को इन द फॉर्म ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है, ठीक है. फाइंड द पेरीमीटर व्हेन एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. एक तो हमने उसके पेरीमीटर के लिए अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना, और दूसरा हमने क्या करना है, हमने उस पेंटागन का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है व्हेन एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. मीन्स कि जब उसकी साइड की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है. सो देखो बेटा, मैंने लिख लिया गिवन साइड ऑफ पेंटागन एस हमें गिवन है, और पेरीमीटर ऑफ पेंटागन क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय साइड. 5 कहाँ से आया, क्योंकि पेंटागन की जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो 5 होती हैं. तो साइड है यहाँ पे एस, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5s. अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, व्हेन s इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. मीन्स कि अब हमने साइड की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, 5 इंटू साइड. साइड की वैल्यू हमें 5 गिवन है, 5 इंटू 5, 25 सेंटीमीटर हमारे पास उस पेंटागन का पेरीमीटर आ गया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इफ़ लेंथ l ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. देखो बेटा, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस, मीन्स कि डबल से 2 सेंटीमीटर कम है. उससे डबल करने के बाद उसमें से 2 सेंटीमीटर वो कम है. फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो हमने जो रेक्टेंगल की लेंथ है उसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है. सेकेंड, फाइंड द पेरीमीटर पी ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. और सेकेंड काम हमने क्या करना है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर भी हमने फाइंड करना है जब हमें बी उसकी 5 सेंटीमीटर. बी स्टैंड्स फॉर ब्रेथ एंड एल स्टैंड्स फॉर लेंथ. ओके, सो देखो बेटा, यहाँ पे लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, मैंने इसको एक्स मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया. सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल उसने बोला था उसके ट्वाइस से 2 कम है, मीन्स कि डबल कर दिया 2x और उसमें से 2 लेस, ये हमें कंडीशन गिवन थी. तो उसकी ये लेंथ बन गई. अब हमें क्या है, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है, बुक में हमें गिवन है. सो लेंथ कितनी आ गई, 2 इंटू 5. एक्स की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, -2. 2 5 10, -2 8. अब आपके पास ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर और लेंथ है 8 सेंटीमीटर. सो फाइनली अब आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लोगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 इंटू 8 लेंथ है और 5 इसकी ब्रेथ है. 2 इंटू 8 प्लस 5 13, और 13 2 26, आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके देन, बाय बेटा, टेक केयर.